वेलकम टू पाठशाला रेलवे एग्जाम। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ रीजनिंग। जैसा कि आपको पता है कि अपन 20 दिन 20 महामैराथन यहां पे कंप्लीट करने वाले हैं, तो आज यहां पे अपनी है दसवीं क्लास। 9 मैराथन यहां पे कंप्लीट हो चुकी हैं, तो जिन बच्चों ने अभी तक वो क्लासें नहीं देखी हैं तो उनसे विनम्र निवेदन है कि वो 9 क्लासें आप वहां पे देख सकते हैं, जिसमें अपन ने बहुत अच्छे अच्छे सवाल, सारे प्रीवियस सवाल डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है भैया, अब एक बार सभी बच्चे बता देंगे, यस सर आप दिखाई दे रहे हैं, आपकी आवाज यहाँ पे प्रॉपर आ रही है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले सुमित यादव आजमगढ़ का मैसेज आ चुका है, गुड इवनिंग सर एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो भैया गुड इवनिंग और सेम टू यू भाई, है ना। कमल गुड इवनिंग सर जी, तो गुड इवनिंग भाई। रेशमा गुड इवनिंग, तो गुड इवनिंग। निधि दीक्षित का भी मैसेज आ चुका है, गुड इवनिंग सर, तो गुड इवनिंग। ठीक है भैया, तो कमल कह रही है तेरी किस्मत उस लड़ाई से जानी जाएगी, तेरी क्या कह रहे थे फिर से पढ़ देते हैं, तेरी हिम्मत उस लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है कमल, बहुत बेहतरीन तरीके से, है ना। तो गुड इवनिंग सर जी, तो गुड इवनिंग भाई। नित्या गुप्ता का भी मैसेज आ चुका है, गुड इवनिंग, तो नित्या गुप्ता को भी गुड इवनिंग। तो भैया चलते हैं, आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं और एक बार सभी बच्चे क्लास को शेयर कर देंगे ताकि और भी बच्चे यहाँ पे जुड़ जाएं। ठीक है भैया, और लाइक वगैरह भी सभी लोग कर दें। देखिए आपको पता है इतने सारे चैप्टर अपन यहाँ पे पूरे कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब प्रीवियस ईयर सवाल, अर्थ रीजनिंग एनालॉजी, नंबर सीरीज, अर्थमेटिकल रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग, डिस्क्रिमिनेशन, फिगर क्लासिफिकेशन, नॉन वर्बल की सीरीज, ऑब्जर्वेशन, और कल अपन ने कंप्लीट किया था अपना ब्लड रिलेशन। आज अपन पढ़ने वाले हैं कौन सा चैप्टर, आज अपना होने वाला है सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस। इसको दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें नॉर्मल लैंग्वेज में, इसे वही कहते हैं ऑड वन आउट, है ना, ट्रिपल ओ, ऑड वन आउट। ठीक है भैया, इसको क्लासिफिकेशन भी बोल देते हैं, तो ये अपना वही चैप्टर है। ठीक है भाई, तो सभी लोगों के यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं। अजीत शर्मा हेलो सर, तो हेलो भाई। संजय कुमार का मैसेज आ चुका है ना। कमल कह रहे हैं कि दिख रहा है सर, तो बहुत बढ़िया भाई, है ना। रेलवे भाई का भी मैसेज आ चुका है, गुड इवनिंग सर एंड लव यू सर, तो लव यू टू भाई। वर्षा मीना कह रही है हाय सर, तो हेलो, है ना। मिंदा यादव गुड इवनिंग सर, तो गुड इवनिंग, है ना भैया। अब सभी लोग यहाँ पे रेडी हैं क्लास को स्टार्ट करने के लिए, तो भैया क्लास को स्टार्ट अप अपन करते हैं। तो ठीक है, तो गुड इवनिंग रूपम का भी मैसेज आ चुका है, तो भैया चलते हैं आज अपन क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये फटाक से बताएंगे, आज अपन ने यहाँ पे पूरे 40 सवाल रखे हुए हैं, फटाफट देख के इन सवालों का आंसर सभी बच्चे देते जाएंगे। तो आपको बताना है ए बी सी डी में कौन सा डिफरेंट है, ऊपर वाली लैंग्वेज आपको नहीं पढ़नी है, वो सिर्फ यही कह रहा है कि दिए गए युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की गई है, मतलब कुछ यहाँ पे गुणा भाग जोड़ घटाना वर्ग करके ऐसा कुछ किया गया है। तो निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए संख्या युग्मों में से एक को छोड़कर सभी एक जैसे हैं, तो आपको बताना है वही असंगत संख्या का युग्म का चयन कौन सा है, मतलब कि वो कौन सा ऐसा युग्म है यहाँ पे जो डिफरेंट है। ठीक है भाई, रीजनिंग की प्लेलिस्ट बना दीजिए। भैया अजीत रीजनिंग की प्लेलिस्ट यहाँ पे कंप्लीट बनी हुई है, तो आप देख सकते हैं चैनल में जाकर। ठीक है, लिप्सा का भी मैसेज आ चुका है, नित्य गुप्ता कह रही है सभी भाई लोग लाइक कर दें, है ना, सभी लोग लाइक कर दें, तो ठीक है भाई। कार्तिक ठाकुर कह रहे हैं राम राम सर, तो राम राम भाई। लगातार सभी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं। खुशी भदौरिया का भी मैसेज आ चुका है, चलिए इस सवाल का आंसर बताइए कि ए बी सी डी में से क्या आंसर आएगा, मैं उसका आपका इंतजार कर रहा हूँ। ए आंसर दिया है सभी बच्चों ने, ए आंसर लगातार आ रहा है, तो आपको दिख रहा होगा सिंपल सवाल, इसमें तो कुछ बताने वाली बात ही नहीं है, ये अपना सिंपल सवाल था, ए आंसर आने वाला है, क्योंकि इसमें सारे क्या लिखे हुए हैं, वर्ग लिखे हुए हैं, स्क्वायर लिखे हुए हैं, तो आपको पता होगा 15 का 225, 13 का 169, 12 का 144, 21 का होता 441, इन्होंने 431 लिखा हुआ है, तो हम मूर्ख नहीं है, हम बिल्कुल बता देंगे कि अलग कौन सा है। चलिए इस सवाल को बताएंगे सभी बच्चे। लगातार सबसे सही आंसर सबसे पहले आया था कार्तिक ठाकुर का, फिर खुशी गुड इवनिंग कह रही है, तो गुड इवनिंग, फिर नित्या गुप्ता ने आंसर दिया है, अजीत शर्मा का आंसर आ चुका है, वंदना पाल ने आंसर दिया है, तो लगातार शानदार तरीके से सभी बच्चों के आंसर एकदम सही आ रहे हैं। एमएस भाई का भी आ चुका है, दिनेश राज कह रहे हैं नमस्ते सर, तो नमस्ते गुड इवनिंग भाई, है ना। रेशमा, जेंटलमैन, खुशी, अजीत, लगातार सभी बच्चों के आंसर एकदम सही आ चुके हैं। राहुल कह रहे हैं सर जी हमें राजस्थान के राजियों फसु पूछो तो क्या बताना, ये कैमिल या चिनकारा, है ना, राजस्थान का राजियों पशु पूछे तो क्या बताएं, कैमिल ही होगा और क्या ही होना चाहिए, है ना। देखो ध्यान से, वैसे नहीं पता, कैमिल को उतना ऊंट का क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज, है ना, राजस्थान का है कि नहीं ये नहीं पता है,
देखिए बच्चों के मैसेज आ रहे हैं और सबको संजय, सुभी यादव, सोनम बच्चे जुड़ चुके हैं, कह रहे हैं गुड इवनिंग, तो गुड इवनिंग। इस सवाल का आंसर बताइए कि क्या होगा। आपको पता है ये सारे नंबर वर्ग लिखे हैं, ये सारे नंबर किसी ना किसी के वर्ग हैं, लेकिन अब आपको डिफरेंट बताना है। तो आपको पता है ये 13 का है, ये 14 का, तो 14 में से घटा देंगे तो 13 आ जाएगा। ये अपना 25 का, इसमें 3 घटा देंगे तो 15 आ जाएगा, तो 15 का वर्ग 225। यहाँ पे 14 का लिखा है तो 3 घटा देंगे तो 14 आ जाएगा। यहाँ पे 16 का लिखा है तो 3 घटा देंगे तो 16 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे डिफरेंट अपना कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर फिर से ए अपना डिफरेंट हो गया, क्योंकि सब में 3 घटाया गया है और इस वाले में 1 घटाया गया है। ठीक है भाई, तो शानदार तरीके से सभी बच्चों का फिर से आने लगा है। ठीक है भाई, शानदार तरीके से सभी बच्चे ए आंसर दे रहे हैं। चलिए तीसरे सवाल को देखें और बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। लगातार सभी बच्चे करवासरा गूगल कर लीजिए, अच्छा है ना। तो कमल, वर्षा, मीना, मिंता, सर जी आप कहां से लाइव आते हैं? तो भैया हम लाइव आते हैं कहां से आते हैं, यूट्यूब से, है ना, यूट्यूब से आते हैं। देखो मनिंदर भी कह रहा है कि हाँ सर यूट्यूब से आते हैं लाइव, है ना। सुभी यादव, रूपम, वंदना पाल, निधि दीक्षित, सबके सबके मैसेज आने लगे हैं। अब देखो इस सवाल को देख के आपको पता चलना चाहिए ये फिर से वर्ग का कॉन्सेप्ट है। हमने स्टार्टिंग में कुछ सवाल यहाँ सारे वर्ग के रखे हुए हैं ताकि आपको समझ में आ चुके कि वर्ग का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। अब ये देखो 1024 लिखा है, अब आपको पता होना चाहिए ये जो वर्ग होता है ये 32 का वर्ग है। ठीक है भाई, अगर हम 784 की बात करें तो ये 28 का वर्ग है। ठीक है, अगर 1620 की बात करें तो ये किसी का वर्ग नहीं है। 576 की बात करें तो ये 24 का वर्ग है, है ना। तो अब आप ये ध्यान से देखो तो इधर पे पकड़ कौन सा गया, सी। और आप ऐसे भी कह सकते थे कि इन सबके डबल लिखे, 16 का 32, 14 का 28, 12 का 24, समझ रहे हो, 18 का 36, 36 का होता है 1296। उन्होंने 1620 लिख के पता नहीं क्या बताने की कोशिश की है। ठीक है, चलते हैं अपन सवाल नंबर 4 की ओर। देखिए हीरा कुमार भी जुड़ चुके हैं, कह रहे हैं गुड इवनिंग गुरुजी, तो गुड इवनिंग भाई। लगातार सबके सब बच्चों के मैसेज यहाँ पे तीसरे का सी आने लगा है। चलिए चौथे को ध्यान से देखें और बताने की कोशिश करें इसमें आंसर यहाँ पे क्या आएगा। ये भी बहुत ही सिंपल सा सवाल है और मैंने प्रीवियस ईयर सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो आप देखो 2500, 2222, 2666, 2396, 2872। तो अब आपको इसमें दिख ही रहा होगा, देखिए अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपन को सवालों को जल्दी लगाना है। अपन यहाँ कठिन सरल से कोई मतलब नहीं है, जो प्रीवियस ईयर सवाल 2022 में पूछे गए हैं अपन वही प्रश्न यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, है ना। अगर पेपर में सरल आया होगा तो सरल डिस्कस करेंगे, कठिन आया होगा तो कठिन डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, लगातार शानदार तरीके से सभी बच्चों का मैसेज आ रहा है। देखिए 2500 भैया यहाँ पे 100 होता है, अगर हम बात करें तो 2266 होता है, और इधर पे बात करें तो 2400 होता है, है ना। ये 2266 था और इधर पे होता है 1800। तो अब आपको मिल गया होगा ना कि ये बी वाला ऑप्शन 3 गुना है, बाकी सारे 4 गुने हैं। लगातार सभी बच्चों के बी आंसर आने लगे हैं। देखिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, कठिन भी सवाल मिलेंगे, सरल भी मिलेंगे और बहुत सरल भी मिलेंगे, है ना। तो सारे टाइप के सवाल मैंने यहाँ पे 40, अब तो सोचो अपने पास 40 सवाल है सारे प्रीवियस ईयर, तो कठिन सरल आते ही रहेंगे। बस आपको क्या करना है, धैर्य बना के सारे सवालों को करते जाना है। ठीक है भैया, शानदार तरीके से सभी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं। मुकेश शर्मा कह रहे हैं लव यू गुरुजी, तो लव यू टू भाई, है ना। शानदार तरीके से सभी बच्चों का मैसेज आ रहा है। ठीक है, रेशमा, लिप्सा, खुशी भदौरिया, लगातार शानदार तरीके से सभी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं। चलिए इस सवाल को आप ध्यान से देखें और बताने की कोशिश करें इसका आंसर यहाँ पे क्या है। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, 7 छंग 42 जो कि आगे लिखा है, 8 छंग 48 आगे लिखा हुआ है, आगे अगर हम ध्यान से देखें तो 6 छाई 36 आगे 36 लिखा हुआ है। अगर हम बात करें 8 छंग 48 48 लिखा होना चाहिए, इन्होंने पता नहीं क्यों 24 लिखा है। तो अपना पकड़ गया, डी इज द राइट आंसर। देखिए बच्चों का आंसर आने लगा है गुरुजी, 5वें का डी, शानदार तरीके से, है ना। सुभी यादव बेहतरीन तरीके से आंसर दे रही है, अजीत शर्मा बहुत बढ़िया, रूपम, वर्षा, मीना, हीरा, रेलवे भाई, लगातार शानदार तरीके से सभी बच्चों के यहाँ पे आंसर आ रहे हैं। चलिए अपन देखते हैं सवाल नंबर, नित्या गुप्ता ने भी आंसर दे दिया है तो बहुत बढ़िया, नित्या गुप्ता भी आज पढ़ रही है मन लगाकर, उनको भी आंसर सारे आ रहे हैं। चलिए इस सवाल को सभी बच्चे देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे इसमें क्या पैटर्न लगा है। ये थोड़ा ठीक सवाल भी बोल सकते हैं, जिन बच्चों को अगर नहीं आएगा तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। अपन पहुंच चुके हैं 6वें नंबर सवाल पे। ठीक है भाई,
बताएंगे सभी बच्चे शानदार तरीके से कि आंसर यहां पे क्या आने वाला है, कितना आंसर आएगा। ठीक है, देखते हैं। धनेश राज का भी मैसेज आ चुका है भाई, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग भाई, है ना, शानदार तरीके से। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 6 में यहाँ पे क्या पैटर्न लगने वाला है। अब आप देखिए 123, 26 और 63 और 7, इनको देख के दिमाग में एक ही चीज आती है, क्या कि ये कुछ स्पेशल नंबर है। जैसे 7 की बात करें तो ये 2 का क्यूब माइनस 1 है, 63 की बात करें तो ये 4 का क्यूब माइनस 1 है, आगे अगर हम 26 की बात करें तो ये 3 का क्यूब माइनस 1 है, आगे अगर 123 की बात करें तो 5 का क्यूब माइनस 2 है। तो मैं इतनी सी बात से ही बता सकता था कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पे अलग है। अब जिन बच्चों को लग रहा है आगे वाले नंबरों में क्या खास बात है, तो मैं आगे वाले नंबरों को अभी बता देता हूँ। ये 2 का वर्ग माइनस 1 मतलब स्क्वायर माइनस 1, ये 4 का वर्ग माइनस 1 15, और अगर हम 8 की बात करें तो 3 का वर्ग माइनस 1, इधर पे क्या होना चाहिए 5 का वर्ग माइनस 1 मतलब 24 होना चाहिए, लेकिन उन्होंने यहाँ पे 23 लिखा है, इसलिए यहाँ पे डी आंसर अपना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए शानदार तरीके से बच्चों के डी आंसर आने लगे हैं, तो बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से सभी बच्चों के आंसर आ चुके हैं। चलिए अपन चलते हैं अपने सवाल नंबर 7 की ओर। 7 का आंसर यहाँ पे सभी बच्चे बताएंगे। देखिए छठवें का डी, शानदार तरीके से जितने भी बच्चे देख रहे हैं सबका आंसर यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आ रहा है। चलिए इस सवाल को आप देखेंगे कि सवाल नंबर 7 का यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है। 6 का तो शानदार तरीके से सभी बच्चों ने यहाँ पे आंसर दे दिया है। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। सर ऐसे एग्जाम में आ जाए तो गर्दा कर देंगे अजीत शर्मा भाई, ये एग्जाम के ही आए हुए सवाल है, है ना, कहीं SSC ने पूछा है, कहीं रेलवे ने पूछा है, तो ये सारे पेपर के ही सवाल हैं। पेपर में ज्यादा कठिन सवाल नहीं आते हैं, आप ये देखो एक दो सवाल हो सकता है कि कठिन आ जाएं, लेकिन आप ये देखोगे अधिकतर सवाल सरल ही रहते हैं, है ना, तो आप इससे परेशान ना हुआ करें। ये मैंने खुद से नहीं डाले हैं यहाँ पे सवाल, है ना, गर्दा तो आप पेपर में उड़ा देंगे अगर आपको चैप्टर अच्छे से आता है और आपने पढ़ रखा है, गर्दा वहां भी उड़ती है, जरूरी नहीं है कि सरल सवालों में ही आप गर्दा उड़ाएं, कठिन भी आएंगे तब भी गर्दा उड़ा देंगे अपन। ठीक है भाई, बस गर्दा उड़ाने के लिए यहाँ पे रेडी रहो आप। अब ये देखो इस सवाल का बताएं आंसर कि इस सवाल का यहाँ पे कौन सा बच्चा सवाल नंबर 7 का आंसर देने वाला है। 7वें का बच्चे आंसर बी दे रहे हैं। ठीक है भाई, 7वें का बच्चे आंसर बी दे रहे हैं, तो मुझे लगता है 7वें का बी तो आंसर नहीं होने वाला है, है ना, तो किस लॉजिक पे आप लोग बी आंसर दे रहे हैं थोड़ा बताएंगे, है ना। बी आंसर लगातार शानदार तरीके से सभी बच्चों का 7वें का बी ही आंसर आ रहा है। शिवजी दीक्षित कह रहे हैं अब की बार आएंगे कठिन। अच्छा भाई शिव जी, देख लेंगे, कठिन आएंगे तो उनको भी देख लेंगे। आप जो चैप्टर मैंने ऑड वन आउट का पढ़ा रखा है आप उसको एक बार पढ़ के देखिए, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कठिन सवाल क्या होते हैं, सरल सवाल क्या होते हैं, ना, मैंने वहां पे सारी चीजें कवर करके रखी हुई हैं। ठीक है भाई, शानदार तरीके से बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट वगैरह कर रहे हैं, और एक बार सभी बच्चे लाइक भी कर देंगे। तुम लोग भाई लाइक नहीं करते हो, जितने लोग देख रहे हैं एटलीस्ट उतने तो लाइक कर ही दो आप लोग, है ना। देखिए इसमें क्या है भाई, इसमें ये चीज है कि आप एक चीज ध्यान से देखो कि इसमें ये सारे लोग है ना कुछ कॉमन है, जैसे कि इनकी बात करें तो इनमें 16 कॉमन है, तो आप ये ध्यान से देखोगे 16 3 48 16 2 32, इनमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सब 15 के पाड़े से कट जाएंगे, 15 3 45 15 2 30, इसको अगर आप देखोगे तो ये किससे कट जाएंगे, तो आप कहेंगे 18 ही से काट लो, 18 के पाड़े से यहाँ पे ये कट जाएंगे, 18 3 54 18 2 36, लेकिन आप ये देखो इनको काटने के लिए ये सब काटने पे कितना 2:3 बनाएंगे, 18 3 54 18 2 36, 15 3 45 15 2 30, 16 3 48 16 2 32, जबकि इसको अगर हम 3 से काट देंगे तो ये 11:8 बनाएगा, इसलिए ए आंसर अपना करेक्ट होगा ना कि बी। जो बच्चे बी आंसर बता रहे थे उनका आंसर गलत हो चुका है, 7वें का यहाँ पे ए आंसर आने वाला है। ठीक है भाई, अब शानदार तरीके से सबसे पहले ए आंसर दिया है रविराज, निधि दीक्षित, वर्षा मीना, सुभी, बहुत बढ़िया, रूपम, खुशी, हीरा, शानदार तरीके से अब बच्चों के आंसर आ रहे हैं, है ना, जेंटलमैन, शिवजी दीक्षित, लगातार सभी बच्चों का आंसर यहाँ पे आ चुका है। चलिए अपन चलते हैं सवाल नंबर 8 की ओर। तो 8 का सभी बच्चे अब यहाँ पे आंसर देने की कोशिश करें ABCD में यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, सभी बच्चे शानदार तरीके से बताएंगे गुरुजी 8वें का ABCD में से यहाँ पे क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, सीधे बैठे मत रहो, आप सवाल को लगाने की भी कोशिश किया करो, ये तो बहुत ही आसान सवाल मुझे लग रहा है क्योंकि इसका सभी बालक आंसर दे देंगे।
कि अगर हम बात करें तो इधर पे 8 का क्यूब लिखा है, ये 4 का क्यूब लिखा है, ये 6 का क्यूब लिखा है। इधर पे भैया 8 का क्यूब 64 नहीं होता है। बी इज द राइट आंसर। इसमें ज्यादा टाइम मैं यहाँ पे नहीं देने वाला हूँ, ठीक है भैया। चलते हैं अपने सवाल नंबर 9 की ओर। 8 का यहाँ पे आंसर आ चुका है, बच्चे आंसर क्या दे रहे हैं, डी। तो शानदार तरीके से भैया यहाँ पे क्या आंसर होने वाला है, आंसर होने वाला है बी, ठीक है। तो 8वें का भी शानदार तरीके से सभी बच्चों के आने लगे हैं। अपन चलते हैं 9वें सवाल की ओर। तो फटाक से बताएंगे सभी बच्चे 9वें का यहाँ पे आंसर अपन क्या दे सकते हैं, ए बी सी डी में यहाँ पे 9वें का आंसर क्या आएगा, सभी बच्चे बताएंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है भाई। शानदार तरीके से सभी बच्चे बता दें कि 9वें का यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है। शानदार तरीके से 8वें का तो सभी बच्चों का यहाँ पे बी आ चुका है। चलिए देख लेते हैं इस सवाल को लगाने का क्या अप्रोच हो सकता है। जैसे कि आप ये ध्यान से देखो, ये देखो थोड़ा अच्छा लेवल का सवाल हो जाएगा। अब इसमें क्या है, अगर आप दिमाग नहीं लगाना जानते हो तो फिर ये सवाल यहाँ पे आपसे नहीं होने वाला है, ठीक है भाई। जो गर्दन उड़ाने वाले बच्चे थे वो इस सवाल को लगा के दिखाएं कि आंसर 9वें का यहाँ पे क्या आने वाला है, ठीक है। देखिए लगातार बच्चे ए आंसर दे रहे हैं, 9वें का ए आंसर आएगा या बी आएगा या सी या डी। कुछ बच्चे ए दे रहे हैं, एमएस ने आंसर सी दिया है, निधि भी आंसर सी दे रही हैं, ठीक है। तो भैया देख लेते हैं कि 9वें का यहाँ पे आंसर रियल में क्या होने वाला है। तो भैया देखो पैटर्न लगाने की कोशिश करो, किस चीज से ऐसा हो रहा है कि सब तीनों एक दूसरे से लिंक हैं। कोई एक ऐसा होगा जो एक दूसरे से लिंक यहाँ पे नहीं होगा, तो वही आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा डिफरेंट है। तो भैया ध्यान से देखते हैं कि 4 से 48 बनाने की कोई जुगाड़, तो यहाँ पे कर देते हैं अपन 4 का क्यूब और माइनस कर देते हैं 4 का स्क्वायर, ठीक है भैया। तो 4 का क्यूब माइनस 4 के स्क्वायर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 64 माइनस 16। तो आपको पता है 64 माइनस 16 यहाँ पे 48 ही होता है, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दुख नहीं होगा। ऐसी सिंपली यहाँ पे हमने 6 का क्यूब कर दिया और फिर 6 का स्क्वायर हटा दिया, तो अब आप ये ध्यान से देख सकते हो 216 में अगर 36 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 180, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 180 भाई, ठीक है। इतनी बातें क्लियर होंगी सभी बच्चों को। आगे अगर आप ध्यान से देखो कि अपन ने कर दिया 8 का क्यूब और माइनस 8 का स्क्वायर, तो अब आप ये देखो 8 का क्यूब होता है कितना, 512, और 64 अगर अपन ने हटा लिए तो आपको पता है यहाँ पे आने वाला है 448, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। मतलब ये तीनों किसी ना किसी तरह से सिमिलर हैं। अगर नौमा भी मतलब कि डी ऑप्शन भी हुआ तो फिर अपन को कुछ और लॉजिक यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। तो 9 का क्यूब माइनस 9 का स्क्वायर, तो अब आप ये देखो 9 का क्यूब ही होता है 729, उसमें से अगर 81 घटाएंगे तो इकाई अंक 8 आएगा। इसमें देखो नहीं लिखा है इकाई अंक 8, इसलिए अपना आंसर करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सर अब पीडीएफ नहीं मिलती है पुष्पेंद्र, भैया पीडीएफ डेली मिल रही है, आप ध्यान से देखिए टेलीग्राम चैनल पे, आपको वहां पे पीडीएफ डेली मिल रही है, ठीक है भाई। पुष्पेंद्र देख लेना जाके, आपको सारी पीडीएफ वहां पे मिल जाएंगी। चलिए देखते हैं अपने सवाल नंबर 10 को, फटाफट सभी बच्चे बताएंगे। अब लगातार सभी बच्चों के 9वें का डी आंसर आने लगा है, तो बहुत बढ़िया जबरदस्त भाई, सभी बच्चे यहाँ पे आंसर दे रहे हैं। चलिए अपन देखते हैं सवाल नंबर अपने 10 को, और 10वें सवाल का यहाँ पे सभी बच्चे आंसर देने की कोशिश करें कि ए बी सी डी में यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आने वाला है। ध्यान से बताना, कहीं ये आपका आंसर गलत ना हो जाए, ठीक है भाई, गलत ना हो जाए, इसलिए आप बिल्कुल एकदम सही आंसर यहाँ पे बताने की कोशिश करें, ठीक है। क्या लॉजिक यहाँ पे लगा दें कि चीजें यहाँ पे डिफरेंट हो जाएं। जैसे कि आपको पता है 6 का वर्ग कर दो 36, 5 का वर्ग तो 30 नहीं होता है, मतलब इसमें कर दिया है 6 का गुणा, 5 6 का 30, और यहाँ पे भी कर दिया 6 का गुणा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे 3 से 20 बनाने के लिए गुणा तो नहीं होगा, और 2 से 15 में 7.5 का गुणा है, मतलब गुणा मल्टीपल से तो यहाँ पे नहीं देख सकते। तो कुछ और जुगाड़ बताइए बच्चे लोग कि यहाँ पे अपन क्या ही और कर सकते हैं, ठीक है। मुझे मिल गई प्लेलिस्ट, हाँ कमल मिल ही जाएगी, क्योंकि वो प्लेलिस्ट बनी हुई है और ऊपर ही आपको चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है भाई। तो आप लोग घबराएं बिल्कुल नहीं, पीडीएफ प्लेलिस्ट सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट है ना, बस आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से, यही आपसे विनम्र निवेदन है, ठीक है। सर जी प्लेलिस्ट वर्षा मीना कह रही हैं, बताओ वर्षा मीना, अब आप चेक भी तो करो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट, आपको मिल जाएगी वहां पे, जीडी वाली भी मिल जाएगी, शून्य बैच वाली भी मिल जाएगी, अपना चिंगारी बैच था उसकी भी मिल जाएंगी, सारी प्लेलिस्ट पीडीएफ सब कुछ मिल जाएंगे,
है ना। नित्या गुप्ता ने बता दिया है, वर्षा चैनल को ओपन करके प्लेलिस्ट पर जाएं प्लीज। अच्छा ठीक है, तो अब आप ये देखो इसमें आप कुछ और भी लॉजिक लगा लो ना तो नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ एक ही लॉजिक लगेगा, वो ये है कि यहाँ पे लिख दिया है 6 का वर्ग 36। वैसा जनरली ऐसे सवालों में ये होता है आपको किसी तीन तरह से सिमिलर करने पड़ते हैं, लेकिन ये तीन तरह से सिमिलर नहीं आप प्रूव कर सकते, तो उस कंडीशन में यहाँ पे अपन को सीधे ऑप्शन नंबर ए पे ही जाना पड़ेगा। वैसे और कोई लॉजिक यहाँ पे लग रहा होता तो अपन इस चीज को यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते थे, ठीक है भाई। लेकिन आप, मैंने इसमें कई सारे लॉजिक लगा के देख लिए लेकिन लॉजिक यहाँ पे लगते हुए नहीं दिखे, लेकिन आंसर इसका ए ही है, वो भी किस वजह से, क्योंकि ये स्क्वायर लिखे हैं, बाकी कोई स्क्वायर नहीं है। वैसे इन सवालों में जनरली ये लॉजिक लगते नहीं है, ठीक है भाई। चलिए इस सवाल को देखें और बताने की कोशिश करें, ये अपने अल्फाबेटिकल अल्फाबेट क्लासिफिकेशन का सवाल है और सभी बच्चे आंसर देने की कोशिश करें कि यहाँ पे क्या आंसर आएगा, है ना। ठीक है भाई, तो सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर यहाँ पे क्या आने वाला है, शानदार तरीके से बताएं सभी बच्चे, ठीक है। तो एक बार सभी बच्चे वो शेयर भी कर दें ताकि और भी बच्चे यहाँ पे अपने जुड़ जाएं, ठीक है भाई। चलिए देखिए, जैसा कि आपको पता है अगर हम इन दोनों की बात करें, 7 5 12, जी का होता है 7, एल का होता है 12, तो यहाँ पे 5 बढ़ा दिए, 15 5 20, 5 बढ़ा दिए, और 22 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो 27, 22 5 27, लेकिन बी का 27 नहीं होता है, बी का 28 होता है, समझ रहे हो, क्योंकि 27 तो ए का होता है। जैसे जेड की कहानी कहाँ खत्म हो जाती, तो आप कहेंगे गुरु जी जेड 26 पे खत्म हो जाता है, तो 27 अगर हमें फिर से बढ़ाना है तो ए लिख देंगे और इसके बाद अपन बी लिख देंगे, तो बी का 28 होगा कोड। अगर हम 22 में 5 ऐड करेंगे तो 22 5 27 होता है, तो यहाँ पे ये 5 ऐड नहीं हो रहा, यहाँ पे 15 से 20 5 बढ़े हैं, जबकि यहाँ पे 22 से 28 हुआ है, यहाँ पे 6 बढ़ गए, जबकि 18 5 यहाँ पे कितना हुआ, 18 से 23, तो यहाँ पे भी 5 बढ़े हैं। लेकिन अब आप देख सकते हो कि इस वाले में 5 नहीं बढ़े, इसलिए अपना यहाँ पे सी आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो देखिए लगातार बच्चों के आंसर 11वें का सी आने लगा है, तो बहुत बेहतरीन शानदार तरीके से सभी बच्चे यहाँ पे एकदम सही आंसर दे रहे हैं। चलते हैं अपन सवाल नंबर 12 की ओर, 12 को फटाफट देखें और आंसर देने की कोशिश करें कि सवाल नंबर 12 में यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है। 12 का सभी बच्चे बताएंगे कि क्या आंसर होगा, ए बी सी डी में से क्या आंसर आने वाला। शानदार तरीके से 11वें का आंसर सी सभी बच्चों का आ चुका है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, दिल खुश हो गया है कि एकदम सभी बच्चे एकदम सही आंसर देते हैं, ठीक है भाई। देखिए बच्चे सबकी क्लास में आते हैं लेकिन सही आंसर देने वाले बच्चों की संख्या इस क्लास में मुझे लगभग ज्यादा लगती है, क्योंकि जितने भी बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं सबके कमेंट यहाँ पे शानदार तरीके से आ रहे हैं। चलिए इस सवाल को अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करो तो अब आपको ये पता चल चुका होगा ये सारे नंबर वर्ग लिखे हैं, ये नंबर किसी ना किसी के वर्ग लिखे हैं। तो भैया अगर हमने 3 में 2 जोड़ दिया तो 5 का वर्ग आ जाएगा, ठीक है आगे लिखा हुआ है। 6 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो ये 8 का वर्ग आगे लिखा हुआ है। 9 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो आगे 10 का वर्ग लिखा है, जबकि अगर हम 7 में 2 जोड़ देंगे तो 9 का वर्ग यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब सी इज द राइट आंसर, बाकी सब में 2 जुड़ रहे हैं और इस वाले में 1 ही जुड़ रहा है, ठीक है भाई। तो 12वें का सी शानदार तरीके से, कुछ बच्चे डी भी दे रहे हैं, तो भैया डी आंसर यहाँ पे नहीं सही होगा, आंसर यहाँ पे अपना सी ही सही होने वाला है। चलिए अपन देखते हैं सवाल नंबर 13 को, अब 13वें का आंसर सभी बच्चे बताएंगे, 12वें का सी तो शानदार तरीके से सभी बच्चों ने यहाँ पे बता दिया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सभी बच्चों का यहाँ पे 12वें का आंसर सी आ चुका है। चलिए अब देखते हैं कौन सा बच्चा यहाँ पे ऐसा है जो 13वें का आंसर यहाँ पे एकदम सही देने वाला है। बहुत बढ़िया शानदार तरीके से जो अपने बच्चे डेली आते हैं बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, चलेगा भाई समय, सबकी क्लासेस होंगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है भाई। देखिए ध्यान से सवाल नंबर 13 की अगर हम बात करें तो अब आपको यहाँ पे पैटर्न क्या मिल रहा है, कुछ यहाँ पे पैटर्न मिल रहा है। तो अब आप कहेंगे गुरुजी क्या, अगर हम ध्यान से देखें तो 8 3 24, 4 4 16, 12 4 48, 5 6 20, तो इधर पे 3 गुना क्यों है, तो ए इज द राइट आंसर। बाकी आप देखोगे सारे 4 गुना है, ये सिर्फ 3 गुना है, तो अपना ए आंसर करेक्ट हो जाएगा 13वें का, ठीक है भाई। तो शानदार तरीके से मोहिनी शर्मा कह रही है गुड इवनिंग, तो गुड इवनिंग मोहिनी, है ना। चलिए अपन चलते हैं सवाल नंबर 14 की ओर, 14 का आंसर सभी बच्चे बताएंगे कि यहाँ पे 14वें नंबर सवाल का क्या आंसर आने वाला है।
ए बी सी डी में क्या डिफरेंट होने वाला है, कौन से ऑप्शन तीन तरह से सेम है और डिफरेंट कौन सा है, वो बच्चे सभी ढूंढ के निकाल दें जल्दी से फटाफट, है ना, एकदम बिल्कुल रिलैक्स होके बैठेंगे नहीं, फटाफट आंसर बताएंगे कि यहाँ पे आंसर एकदम सही क्या होने वाला है। और एक बार दबा के शेयर कर देंगे सभी बच्चे ताकि और भी बच्चे जुड़ जाएं और लाइक भी कर दें सभी बच्चे, है ना। ठीक है सुमित भाई, होगी परेशान ना हो, सबकी क्लासेस होंगी, है ना। देखिए ध्यान से, सात की अगर हम बात करें तो सात से हुआ है 337, पांच से हुआ है 120, चार से हुआ है 60 और छह से हुआ है 210। तो आपको बताना है क्या पैटर्न यहाँ पे लग रहा है। तो मुझे सबसे पहले एक ही चीज समझ में आती है कि आप यहाँ पे सात का क्यूब कर दीजिए, सात का क्यूब होता है 343, 343 में अगर हम सात घटा देंगे तो भैया कितना आएगा, तो छह घटाना है 343 में, तब जाकर 337 आएगा। ठीक है भैया, छह घटाने पे यहाँ पे बात बन गई। आगे अगर हम ध्यान से नोटिस करें क्या कि पांच का क्यूब होता है 125, 125 में अगर अपन ने पांच हटा लिए तो आएगा 120 और आगे 120 ही लिखा हुआ है। सिमिलरली आप देखोगे चार का क्यूब अपन ने कर दिया तो भैया होता है 64 और चार घटा देंगे तो अपना आ जाएगा यहाँ पे 60। ऐसे ही अगर हम ध्यान से देखेंगे छह का क्यूब होता 216, अगर अपन ने छह घटा दिया तो आ जाएगा 210। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा जितने का क्यूब करा किया है उतने ही हटाना है, लेकिन अपने इस वाले ऑप्शन में क्या हुआ है, सात का क्यूब करके छह घटा रहे हैं, इसका मतलब ये वाला अपना अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो बताएंगे सभी बच्चे चौदहवें का यहाँ पे ए किसका आ रहा है। सर मेरा नाम क्यों नहीं लेते रेलवे, भाई आपका नाम ही कहाँ है, आप तो रेलवे हैं तो आपका नाम क्या ही ले, नाम बताओगे तब तो लेंगे ना भाई, है ना। चलिए भाई शानदार तरीके से बच्चों के आंसर आने लगे हैं। चलिए अपन देखते हैं अपने सवाल नंबर 15 को और 15 का आंसर सभी बच्चे बताएंगे। रवि साहू भी आंसर एकदम सही तरीके से दे रहे हैं, गुरुजी 14 का ए आंसर आएगा, तो बहुत बढ़िया भाई, है ना। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 15 को, सवाल नंबर 15 का सभी बच्चे आंसर बताएंगे, है ना। तो सभी बच्चे सेशन को शेयर भी कर देंगे ताकि और भी बालक बालिका यहाँ पे जुड़ सके, समझ रहे हो ना। देखिए भाई लगातार शानदार तरीके से सभी बच्चों के 14 का ए आंसर आने लगा है। चलिए 15 नंबर सवाल को आप ध्यान से देखें और बताने की कोशिश करें कि यहाँ पे क्या आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे कि क्या लॉजिक अपन यहाँ पे लगा दें। जैसे आप ध्यान से देखो क्या कि ये दोनों पेयर फॉर्म के सवाल हैं। ठीक है भाई, अगर पेयर फॉर्म के सवाल हैं तो आप यहाँ पे क्या करो, डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, है ना। डिफरेंस भी निकालने के बाद और क्या कर सकते हैं, जैसे कि मुझे एक चीज दिख रही है कि अगर हम ध्यान से इनको काटें, तो अगर ध्यान से इनको काटेंगे तो ये 24 से कट रहे हैं, 24 दूनी 48 और 24 पंचे 120 और 24 छक्का 168। तो ठीक है, दो और छह यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब 48 का तीन गुना ही है वो एक्चुअली में, है ना। अगर हम ध्यान से देखें, अगर 13 से काटें, 13 चौको 52, 13 एकम 13, 13 चौको 52, मतलब यहाँ पे कॉमन फैक्टर की अगर हम बात करें तो इन दोनों में कॉमन अपना हो जाएगा 48, इन दोनों में अपना कॉमन हो जाएगा 26। ठीक है, 26 हो जाना चाहिए, 13 एकम 13, 13 चौको 52, हाँ 26 कॉमन हो जाएगा, इसमें क्या कॉमन हो जाएगा 13। इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें 17 दूनी 34, 17 पना 85, 17 सत्ते 119 होता है, इन्होंने 118 लिखा है, इसका मतलब ये करेक्ट मल्टीपल यहाँ पे नहीं है। तो 34 का करेक्ट आंसर, इसमें सिर्फ कितनी एक ही डिजिट की संख्या कॉमन है, वो कौन सी, दो। तो दो नहीं, आपको पता है एक बड़ा नंबर यहाँ पे कॉमन होना चाहिए, है ना। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, बाकी और कोई लॉजिक यहाँ पे आप लगाएं देखें आता है कि नहीं, 15 का यहाँ पे डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 15 का यहाँ पे डी ही आंसर आएगा, क्योंकि आप ये देखो इसमें सब बड़े बड़े लोग यहाँ पे कॉमन है। जैसे देखो इसमें पहले वाले में कॉमन 48 है, इन दोनों में कॉमन 26 है, इन दोनों में कॉमन 13 है, है ना, 13 दूनी 26 13 सत्ते 91। और आप ये भी कह सकते हो क्या कि इसमें काटने पे 7 आ रहे हैं सब में। जैसे अगर हम इसमें ध्यान से देखेंगे तो अगर हमने 24 से डिवाइड किया तो 24 से तो नहीं आएगा 7, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 से डिविजिबल है, 168 अपना 7 से डिविजिबल है, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 24 सत्ते, है ना। अगर हम इसकी बात करें 7 से डिविजिबल है तो आप कहेंगे हाँ गुरुजी, 7 दूनी 14 और 7 छंग 42। अगर हम बात करें 91 की तो ये भी 7 से डिविजिबल है, 13।
तो ये सात से डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना भाई। तो ऐसे भी अपना आंसर आ जाएगा, नहीं तो बच्चे सोच रहे होंगे कि दोनों में सब में तो कॉमन है। तो आप ये देखो लास्ट वाला सात से भी डिवाइड हो रहा है, जबकि और कोई ऑप्शन सात से यहाँ पे मतलब डी वाला डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है भाई। शानदार तरीके से बच्चों के आंसर डी आ रहे हैं गुरुजी, 15वें का डी होगा, तो बहुत बढ़िया भाई, शानदार तरीके से सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं अपने सवाल नंबर 16 को। सवाल नंबर 16 को ध्यान से देखें और बताएं कि 16 में यहाँ पे डिफरेंट क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या आंसर आएगा 16 नंबर सवाल का। 441, 749, 721 और 369, 41, 343, 47। तो अब आप ये देखना है यहाँ पे अपन क्या पैटर्न लगा सकते हैं 16वें वाले में, ठीक है भाई। जैसा कि आपको पता है, क्या क्या पता है आपको, कुछ यहाँ पे पैटर्न लगा सकते हो आप। अगर नहीं लगा सकते तो आप ध्यान से देखो कि अगर हम बात करें 49 में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे 441 के पास पहुंच जाएं, तो मुझे लगता है 490, ये 9 गुना होना चाहिए, है ना, क्योंकि 490 का 10 गुना 49 धाम कितने होते, 490, 490 में अगर अपन ने 49 घटा लिए तो 9 गुना हो गया 441। अगर हम इधर पे बात करें तो ये तो 9 गुना है ही, आगे अगर हम इसको देखेंगे तो ये भी अपना 9 गुना है, जबकि ये अपना 9 गुना नहीं होगा, 9763। अगर हमने 9 का गुणा किया 9763 हासिल 6, 9 4 36, 36 और 6 42, तो ये 423 नहीं लिखा है, इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। बाकी सारे 9 गुना लिखे हुए हैं, ये वाला अपना 9 गुना नहीं लिखा, तो 16वें का यहाँ पे डी आंसर आएगा, ना कि बच्चे ए और बी भी आंसर बता रहे हैं। तो भैया अपनी गलती को सुधार लें, यहाँ पे डी आंसर अपना करेक्ट आएगा, 16वें का यहाँ पे डी आंसर अपना आने वाला है, ठीक है भाई। शानदार तरीके से बच्चों के आंसर यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ए और बी भी दे रहे हैं, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, एकदम सही आंसर डी अपना करेक्ट आंसर देना है सभी बच्चों को, ठीक है भाई। अब शानदार तरीके से सभी बच्चों के नाम मुझे दिख चुके हैं, जैसे कि जेंटलमैन, कुंदन, वर्षा, हीरा, शुभी, निधि, बहुत बढ़िया, रूपम, है ना, कुंदन, स्वामनी, रविराज, मिंता यादव, रेलवे भाई, है ना, मोहिनी शर्मा, शानदार तरीके से सभी बच्चों के यहाँ पे आंसर आ रहे हैं। चलिए अपन देखते हैं सवाल नंबर 17 को, और 17 को बताने की कोशिश करें यहाँ पे ए बी सी डी में आंसर भैया क्या आने वाला है। जैसा कि आपको पता है 16 और 8 लिखा है, 4 5 लिखा है, 9 6 लिखा है, 36 और 9 लिखा है। तो भैया आप ध्यान से देखो कि इन दोनों की अगर हम बात करें तो इन दोनों में 8 कॉमन है, 8 से दोनों कट जाएंगे, इन दोनों में 9 कॉमन है तो ये 9 से दोनों कट जाएंगे, इन दोनों में 3 कॉमन है तो फिर ये 3 से कट जाएंगे, ठीक है भैया। तो अब आप ध्यान से देख सकते हो, तो दिक्कत कहां है, दिक्कत है बी वाले ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में कोई भी संख्या यहाँ पे एक को छोड़ के कॉमन नहीं हो रही है, इस चक्कर में यहाँ पे 17वें का आंसर बी आ जाएगा, ठीक है भाई। प्रिंस पाल कह रहे हैं हाय सर, तो हेलो प्रिंस, है ना, तो 17वें का यहाँ पे आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। देखिए अभी भी बच्चे आंसर सी दे रहे हैं, सी आंसर नहीं होगा, बी आंसर अपना यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, ठीक है भैया। शानदार तरीके से बच्चे आंसर यहाँ पे दे रहे हैं। चलिए चलते हैं अपने सवाल नंबर 18 की ओर। 18 को आप ध्यान से देखें और आंसर बताएं कि सवाल नंबर 18 का यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, क्या आंसर होगा अपने 18 नंबर सवाल का, ठीक है। सभी बच्चे बताएंगे हाँ भाई सबका आंसर एकदम सही आ चुका है, सवाल नंबर 18 का सभी बच्चे यहाँ पे आंसर देने की कोशिश करें कि यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है, ठीक है भाई। बेहतरीन तरीके से सभी बच्चे यहाँ पे बताएंगे। तो अब आप ये ध्यान से देखो कि ये सब वर्ग लिखे हुए हैं, ये 1765 किसी का है कि नहीं ये नहीं पता है, बाकी तो सारे वर्ग हैं। 2916 की अगर हम बात करें तो ये 54 का वर्ग है, 54 का वर्ग 2916, ये 20 का वर्ग है, ये आपको पता है कितने का वर्ग, ये 24 का वर्ग है, लेकिन 1765 किसी का वर्ग नहीं होता है, यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे आप ये ध्यान से देखो, ये 54 53 में जोड़ के 54 का वर्ग किया है, 19 में जोड़ के 20 का वर्ग है, 23 में जोड़ के 24 का यहाँ पे वर्ग किया गया है, ठीक है भाई। शानदार तरीके से बहुत बढ़िया 18वें का यहाँ पे बी आंसर सभी बच्चों ने दे दिया है। चलिए चलते हैं अपने सवाल नंबर 19 की ओर। 19 का सभी बच्चे यहाँ पे आंसर बताने की कोशिश करें, 19 में ए बी सी डी में से यहाँ पे क्या आने वाला है, क्या आंसर आएगा 19 का, ठीक है भाई। देखिए शानदार तरीके से सभी बच्चों के यहाँ पे 18वें का बी आंसर आ रहा है, 19 का आंसर सभी बच्चों को यहाँ पे देना है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये तो बहुत ही नॉर्मल सा सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है, जितने भी बच्चे यहाँ देख रहे हैं कि बच्चे को आ गया होगा ये सवाल, है ना। शानदार तरीके से देखिए भाई, 7 का वर्ग कर देंगे -1, अपना 48 आ जाएगा,
ऐसे यहाँ 8 का वर्ग कर देंगे माइनस वन, तो यहाँ पे 25 कतई नहीं आएगा, आना चाहिए 64। 4 का वर्ग कर देंगे माइनस वन तो आ जाएगा 15। आगे अगर हम 3 का वर्ग माइनस वन कर देंगे तो आ जाएगा 8। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर अपना बी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, तो 19 का सभी बच्चे बता दें गुरुजी यहाँ पे बी आंसर आने वाला है 19 का। ठीक है भैया, शानदार तरीके से सभी बच्चों के 19 में का बी आंसर आ रहा है। देखिए बच्चे अभी भी लगातार ए आंसर दे रहे हैं, है ना, तो बी अपना करेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए अपन चलते हैं सवाल नंबर अपने नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट अपना है सवाल नंबर 20। ठीक है, तो 20 का सभी बच्चे फटाफट आंसर बता दें, ए बी सी डी में यहां से क्या आंसर आने वाला है, ए बी सी डी का आंसर बताएं जल्दी से फटाफट। अब आपको दिख रहा होगा ये सारे नंबर जो लिखे हुए हैं ना भैया, वो सारे नंबर वर्ग हैं किसी ना किसी के। अगर सारे नंबर किसी ना किसी के वर्ग हैं, तो अब आपको यहाँ पे पैटर्न ऑब्जर्व करना है, पैटर्न समझना है कि यहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं। जैसे कि ये अपना 9 का वर्ग है, और फिर यहाँ पे ये अपना 7 का वर्ग है, ये 10 का वर्ग है और ये अपने 9 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है और ये अपने 5 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है और ये अपने 4 का वर्ग है। ठीक है भाई, तो अब आप ये ध्यान से देखो, ये सारे 2 के डिफरेंस पे हैं, जबकि इसको छोड़ दें तो ये 1 ही के डिफरेंस पे है। इसका मतलब खटाक से आंसर हो गया अपना ऑप्शन नंबर बी। तो 20 में का बता देंगे सभी बच्चे, बी आंसर आएगा। आकाश कुशवाहा आ चुके हैं, कह रहे हैं बिहार की धरती से गुरुजी को प्रणाम, तो प्रणाम भाई, है ना, शानदार तरीके से देख लिया भाई आपका मैसेज। ठीक है भाई, चलते हैं। देखिए भाई, अपन ने आधे सवाल अपने कंप्लीट यहाँ पे कर लिया, फटाफट अपन सवाल को जल्दी जल्दी लगाते जाएंगे, है ना। चलिए सवाल नंबर 21 का सभी बच्चे आंसर दें कि ए बी सी डी में आंसर क्या आने वाला है। ठीक है भाई, और आज तुम लोग टोपा ओपा लगा रहे हो कि नहीं, सर्दी बहुत है भाई, है ना, अगर टोपा ओपा नहीं लगाओगे, बस यही कुछ दिनों की सर्दी है, यही नहीं बचा पाए तो बीमार हो जाओगे, है ना, तो बीमारी से बचना है तो टोपा ओपा सभी बच्चे लगा लेंगे, है ना। देखिए ध्यान से, 19 की अगर हम बात करें, 323 43 से 731 21 से ये इससे ये, तो जल्दी से बताएंगे अपन क्या पैटर्न यहाँ पे लगा सकते। सबसे पहले मुझे वर्ग वर्ग तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैं डिवाइड करके ही देख लूंगा। 19 से कम 19, 19 नमैया 153, 63 जितना भी होता है लेकिन कट जाएगा, है ना। 43 की अगर हम बात करें, 43 एकम 43, और फिर यहाँ पे कितना बचा 301, 43 के पहाड़े में 301 आएगा, 43 सत्ते, 728 सत्ते हैं कहीं, हाँ भाई सत्ते है, ये 17 गुना है, ये भी कट जाएंगे। अगर हम बात करें 21 से 357, तो भैया भाग दे के देखो, 21 एकम 21, फिर कितना यहाँ पे बच जाएगा 14, और 21 सत्ते 147 खत्म, 17 गुना ये भी है। अगर हम इधर की बात करें तो इधर पे भाग ही नहीं जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर, बाकी सब डिविजिबल हो रहे हैं, ये वाला डिविजिबल नहीं हो रहा है, इतनी सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, चलते हैं आगे, 8 नंबर 72, ये 19 से कट रहा है या नहीं, है ना, 19 एकम 19, और फिर यहाँ पे बचेगा कितना 13, 133, 19 सत्ते 133, 7 आएगा यहाँ पे ना कि 9, ठीक है, लेकिन कट रहा है, अब आप इतनी बात ध्यान रखना। ठीक है, 17, सारे 17 के मल्टी मतलब कि 17 टाइम्स हैं, ये वाला नहीं है। चलिए ध्यान से देखते हैं सवाल नंबर 22 को। 22 का अंदर सभी बच्चे यहाँ पे बता देंगे फटाक से कि 22 का यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया सुबी, है ना, सुबी कह रही है सर जीडी का एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट है, सर अगर बीमार पड़ गए तो एग्जाम खराब हो जाएगा, इसलिए सब टोपा स्वेटर जैकेट पहने रहे। हाँ बिल्कुल, जीडी का नहीं, कोई भी एग्जाम अगर आप देने वाले हैं, और वैसे भी एग्जाम देने के लिए नहीं, आपको अपनी हेल्थ का भी ख्याल यहाँ पे रखना है, टोपा वगैरह हमेशा लगाते रहें। ठीक है, क्योंकि ठंडी बहुत पड़ रही है। देखिए ध्यान से, 664 यहाँ पे पड़ रही है, अब आपके इलाके में पता नहीं क्या माहौल है, इस ध्यान को आप ध्यान से देखेंगे इसमें क्या होने वाला है। अगर हमने 6 में 2 ऐड कर दिए 8, तो 8 का वर्ग हो जाएगा 64, 5 में 1 ऐड कर दिए तो 6 का वर्ग हो जाएगा 36, आगे लिखा है, 11 में 2 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 13, 13 का वर्ग 169, आगे लिखा है, 12 में 2 जोड़ देंगे 14, 14 का वर्ग 196, आगे लिखा है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आकाश उस बात कह रहे हैं बहुत सर गर्मी का मौसम है, अच्छा भाई आकाश, ठीक है, शानदार तरीके से बच्चों के आंसर भी आने लगे हैं। चलिए चलते हैं अपने सवाल नंबर 23 की ओर। सवाल नंबर 23 को फटाफट उड़ा दें कि यहाँ पे क्या लॉजिक लगने वाला है, क्या आंसर आएगा। राधे राधे भुवन जी कह रहे हैं,
आई एम सो लेट, तो कोई दिक्कत नहीं भुवन, अगर आप लेट आए हो तो भी चलेगा, लेकिन आए हो ना ये इंपॉर्टेंट है ना, और आपके जज्बात को सलाम है ना। चलिए ध्यान से देखिए, देखिए कितने शानदार बच्चे हैं इस क्लास के, मतलब कि डेली आते हैं, अगर लेट हो जाते हैं तो मेंशन करते सर जी आज हम लेट आए हैं, है ना, कितने अच्छे, मतलब तुम लोग बहुत ही अच्छे हो। ध्यान से अगर आप देखोगे इसमें क्या पैटर्न लगाए, जैसे जी टी अपोजिट होता है, एम एन अपोजिट होता है बी बाई और सी एस एच, तो अपोजिट से तो यहाँ पे बात बन नहीं रही है, तो डिफरेंस ही निकाल दो, फिर क्या ही करेंगे। जैसे कि आपको पता है ये दोनों डिफरेंस पास के दिख रहे हैं, 7, 4, 11, 13, 5, 18, यहाँ पे 4 ऐड हुए हैं और 13 से 5, 18 5 ऐड हुए हैं। बी बाई की बात करें तो यहाँ पे 4 ऐड हुए हैं, एस से डब्ल्यू की बात करें तो 19, 4, 23, तो अब आप इतने तो समझदार हो, बी इज द राइट आंसर। बाकी आपको कुछ नहीं, फर्स्ट और थर्ड में देखना था, फर्स्ट और थर्ड को आप ध्यान से देखोगे, 7 से 11 हुए 4 बढ़ गए, 13 से 18 हुआ यहाँ तो 5 बढ़े हैं, 22 से F हुआ यहाँ भी 4 बढ़े हैं, एच से W हुआ यहाँ भी 4 बढ़े हैं भाई, ठीक है। शानदार तरीके से सभी बच्चों को ये सवाल आ गया होगा। चलिए अपन चलते हैं अपने सवाल नंबर 24 की ओर, फटाक से सभी बच्चे आंसर देंगे। हम सब तो आपके ही स्टूडेंट हैं सर, अच्छा रेलवे भाई, हाँ ये बात तो है ना सर, आप भी तो बहुत अच्छे हो, मोहिनी शर्मा कह रही हैं, अच्छा मोहिनी थैंक यू, है ना। तो शानदार तरीके से सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं, एक्चुअली अच्छे हम नहीं है, अच्छे आप लोग हैं, ठीक है। अगर आप लोग अच्छे हैं तो आप लोगों को हम भी अच्छे लगते हैं, है ना, बस आप लोग ही अच्छे हैं, है ना, मैं यही अपने एंड से कहना चाहूंगा। चलिए ध्यान से देखिए, 93, 310, 54, 18, 48, 165 और 33, 110, तो यहाँ पे क्या पैटर्न लगना चाहिए, क्या कर दें अपन। तो जैसे कि मुझे ये दिख रहा है कि अगर हम इसकी जीरो को इग्नोर कर दें, 31, 93 जीरो को इग्नोर कर दें तो 18, 54, जीरो को इग्नोर कर दें तो 11, 33, तो इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। सेकंड वाले में, या फिर हम ये भी कह सकते थे क्या, पहले वाले में 3 का भाग दे दो और 10 गुना कर दो, लेकिन क्या ही करना है इतनी बकवास, 31, 93, 18, 54, 11, 33, इस पे ये पैटर्न यहाँ पे नहीं लग रहा, इसलिए सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। साइड प्लीज सर, अच्छा ठीक है, साइड हो गए हैं, ठीक है भाई। तो शानदार तरीके से सभी बच्चों के यहाँ पे 24 में का सी आंसर आने लगा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोग एकदम सही यहाँ पे आंसर देते हो, मतलब ये चीज मुझे अच्छी लगती है। चलिए ध्यान से देखिए सवाल नंबर 25 को, सवाल नंबर 25 को सभी बच्चे बताएंगे कि 25 में का यहाँ पे क्या आंसर होने वाला है, ठीक है भाई। सर आप इतने ठंड में हम भी हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम लोगों को गर्मी लग रहा है, अच्छा भाई आकाश, है ना, कितने मतलब क्या ही बताएं, खतरनाक लड़के हैं यहाँ पे, है ना, नहीं लड़कियां भी बड़ी खतरनाक हैं। चलिए ध्यान से देखिए इस सवाल का आंसर सभी बच्चे यहाँ पे देंगे कि इसका आंसर यहाँ पे क्या आने वाला है। वैसे फाइनली एक ही डिसीजन कहना चाहूंगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। चलिए मजा लग रहा है सर, अच्छा मैंने को ऑफिशियल, ठीक है भाई मजा लेते रहो, मजे के साथ पढ़ो, और क्या ही चाहिए लाइफ में, है ना, क्या तो चाहिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पढ़ाई में अगर मजा आने लगे तो फिर कहना ही क्या है, हमें पता है तुम लोग बहुत खतरनाक टाइप के हो, पता नहीं क्या क्या चाहिए। देखिए कि अगर हम 12 में कुछ घटा दें 3, तो आ जाएगा 9, 9 का वर्ग है 81, अगर हम इसमें 3 घटा देंगे तो आ जाएगा 8, 8 का वर्ग है 64, इसमें 3 घटा देंगे तो आ जाएगा 10, 10 का वर्ग है 100, इसमें अगर 3 घटा दिए तो आ जाएगा कितना, 13, 13 तो नहीं लिखाना आएंगे, तो बस यही अपना गलत हो गया, ये सी डी इज द राइट आंसर। तो बता देंगे सभी बच्चे 25 में का यहाँ पे डी आंसर आने वाला है। शानदार तरीके से सभी बच्चों का बेहतरीन तरीके से आंसर आ चुका है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सभी बच्चे एकदम सही आंसर यहाँ पे दे रहे हैं। चलिए अपन चलते हैं सवाल नंबर 26 की ओर, फटाफट सभी बच्चे सवाल नंबर 26 का यहाँ पे आंसर एकदम करेक्ट दे दें कि आंसर यहाँ पे क्या आने वाला है। खुशी भदौरिया, अनुराग सर की क्लास, राधे राधे भुवन जी, भाई सारी क्लासें होंगी, आप लोग क्यों परेशान हो, है ना। सर आपकी शादी हो चुकी है क्या, अच्छा भाई आकाश, है ना, ये सब बातें है ना मत पूछा करो थोड़ा, है ना, देखने से नहीं लगता क्या हुई है कि नहीं, खुशी देख के पता नहीं चल रहा है क्या। देख ध्यान से देखिए इस सवाल का आंसर दें, 25, 5, 125, 81, 736, 36, 216, तो अब आपको बताना है यहाँ पे क्या पैटर्न अपन लगा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मुझे दिख रहा है कि सारे नंबर वर्ग हैं, ये सारे नंबर यहाँ पे वर्ग लिखे हुए हैं, 5 का, 7 का, 9 का और 6 का, ये सारे वर्ग हैं,
लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ये क्यूब भी तो है, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये भी, लेकिन इनके दिमाग खराब है तो इन्हें ही हम अलग कर देंगे। सी इज द राइट आंसर। बस रीजनिंग में आपको वही ढूंढना होता जिनके दिमाग खराब है। इस चैप्टर में यही होता है, जितने दिमाग खराब वाले लोग हैं उनको पकड़ पकड़ के घसीट घसीट के लाओ पकड़ के, है ना। चलिए ध्यान से देखिए सवाल नंबर अपना 27, फटाक से इसका आंसर बता देंगे। सवाल नंबर 27 का यहाँ पे क्या आंसर होगा, है ना भाई। देखिए बच्चों के आंसर 26 के एकदम सही आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि सभी बच्चे 26 का यहाँ पे सी आंसर देने में लगे हुए हैं, तो बहुत ही बढ़िया, शानदार तरीके से, जबरदस्त भाई। सर आपकी शादी हुई है हमें पता है, अच्छा अच्छा नहीं हुई है हमें पता है, अरे भाई कुंदन, है ना। तो शानदार तरीके से सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं। चलिए इस सवाल को आप ध्यान से देखें कि इस सवाल का यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है। 50 से 150, 30 से 80, 40 से 120 और यहाँ पे 20 से 60। तो अब आप ये ध्यान से देख सकते हो यहाँ पे क्या 50 से 150 हुआ, मतलब ये तो भाई तीन गुना है, और ये 20 से 60 हुआ भैया ये भी तीन गुना है, 40 से 120 हुआ ये भी तीन गुना है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो बी वाला ऑप्शन कैसा हो जाएगा, अलग हो जाएगा, इसमें भैया तीन गुना नहीं है, ठीक है। और एक बार सभी बच्चे लाइक भी कर दें, है ना, हमको तो नहीं लगता कि आपकी शादी हो चुकी है। हाँ भाई सही लगता है ना, तुम लोग मतलब कुछ भी टॉपिक पकड़ लेते हो, शादी के टॉपिक पकड़ लिया, कितने खतरनाक हो हैं, डरना पड़ेगा तुम लोगों से। तो सवाल नंबर 28 का सभी बच्चे आंसर देंगे, 28 का सभी बच्चे शानदार तरीके से आंसर बताएंगे, आंसर यहाँ पे 28 का क्या आने वाला है, ठीक है भाई। जल्दी से बताएं फटाफट 28 का यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ठीक है। मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कौन सा बच्चा सबसे पहले यहाँ पे 28 का आंसर देने वाला है, ठीक है भाई। 43 से 84 बनाना, 21 से 40 बनाना, 15 से 210 बनाना, 19 से 36 बनाना है। फटाक से बताएंगे सभी बच्चे कि गुरुजी 28 में का यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है। देखिए सारे बच्चे हंस रहे हैं पता नहीं क्यों, है ना, बस तुम लोग ऐसे ही हंसते रहो, हंस के पढ़ते रहो, बहुत ही अच्छा लगता है, है ना। ध्यान से देखिए, देखिए सबसे पहले यहाँ पे डी आंसर सुभि यादव दे रही हैं, तो डी आंसर आएगा क्या, है ना। सी आंसर कर दिया है सुभि ने, निधि बहुत ही प्रसन्न हो रही हैं, ठीक है भाई, तुम लोग बस हंस रहे हो, है ना, हम पहले ही लाइक कर देते हैं सर। हाँ भाई मनिक, और भी बच्चे जितने भी देख रहे हैं सभी लोग लाइक कर दें जरूर, है ना, नहीं तो फिर आपको याद भूल जाती है। देखिए हमें पता है तुम लोग पढ़ाई में इतने मस्त हो जाते हो, ना तो तुम लोग शेयर कर पाते हो ना ही लाइक कर पाते हो, क्योंकि इतना बिजी ही हो पढ़ने में, है ना, क्या ही कहें। और देखिए ध्यान से 43 में अगर हम एक कम कर दें तो भैया आ जाएगा 42, 42 का डबल लिखा है 84, 21 में एक कम कर दें तो हो जाएगा 20, तो 20 का डबल यहाँ पे लिखा है 40। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो दर पे एक कम कर देंगे हो जाएगा 18, 18 का डबल हो जाएगा 36। तो सी इज द राइट आंसर, सी अपना करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है भैया। 28 का यहाँ पे सी आंसर अपना आ जाएगा। देखिए शानदार तरीके से सभी बच्चों ने 28 में का यहाँ पे सी आंसर दे दिया है। चलते हैं अपन सवाल नंबर दो बार दब गया क्या, 27 की बात सीधे 29, अच्छा ये 28 ही था, बहुत बढ़िया। ध्यान देखिए सवाल आप लोगों के साथ लगाते लगाते कब पता ही नहीं चलता कि कौन से सवाल कहाँ आ गए, है ना, आप लोग इतना बिजी कर देते हो आप अपने, है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। सर शादी के बाद कोई भी व्यक्ति खुश नहीं रहता क्योंकि शादी के बाद सभी लड़कियां हुक्म चलाने लगती हैं। अच्छा तुम्हें बड़ा एक्सपीरियंस है इन सब बातों का, तुम्हारी हो चुकी है क्या, है ना, तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी तब तक होगी भी नहीं, चक्कर में हो, है ना, तो जॉब ले लो एक, ठीक है भाई। कह रहे मैंने सर लाइक नहीं किया था अब कर दिया, बहुत बढ़िया भाई, है ना, तो बस ऐसे ही सभी बच्चे लाइक कर देंगे। इसमें भी अपन क्या करें, एम के पास एन डी डब्ल्यू आर आई एस एच, मतलब यहाँ पे भी डिफरेंस है तो बात नहीं बन रही है, एल ओ बी ई एस एच पी के, तो सारे ही अपोजिट यहाँ पे लिखे हुए, तो डिफरेंस ही निकाल दो और क्या ही बताएं। डिफरेंस अगर निकाल दें तो 16 से 11 यहाँ पे घट गए, एस से एच तो भैया यहाँ पे घटने हटने वाली बात तो यहाँ पे नहीं है, तो कुछ और निकालो अल्टरनेट, 13 से 16 हुआ तो यहाँ पे प्लस 3, 4 से 8 हुआ प्लस 4, 18 से 22 हुआ प्लस 4, एच से एल हुआ है प्लस 4, इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब पहले और तीसरे का डिफरेंस अपन को निकालना था, जबकि पहले दूसरे तीसरे चौथे ये आपस में अपोजिट लिखे हुए हैं, ठीक है भाई। शानदार तरीके से सभी बच्चों का मैसेज आ चुका है ना, मैं नहीं करूंगा नौकरी के बाद करूंगा, हाँ भाई नौकरी के बाद ही करना, नहीं तो खर्चा चल नहीं पाएगा। ध्यान से देखिए उसको
मेकअप का सामान दिलाने में ही पूरी सैलरी खत्म हो जाएगी अगर कहीं और जॉब की, गवर्नमेंट जॉब करो तभी थोड़ा सुकून रहेगा, है ना? या फिर कोई बड़ा काम कर सकते हो जिसमें आपकी सैलरी अच्छी खासी हो तो भी हो सकता है, है ना? ध्यान से देखिए इस सवाल की अगर हम बात करें, फटाक से इसका आंसर बता दीजिए कि क्या आंसर होने वाला है, क्योंकि मुझे तो ये सवाल देख के ही आ चुका है और उम्मीद है कि आपको भी सभी बच्चों को ये सवाल देख कर आ गया होगा। खेत चार का वर्ग लिखा है और चार आया कहां से है? तीन से। ये सात का वर्ग लिखा है, आया कहां से है? छह से। ये तेरह का वर्ग लिखा, आया कहां से है? बारह से, एक जोड़ देंगे तेरह। ये इधर पे एक घटा दिया है नौ से, घटा देंगे तो आठ, आठ का वर्ग यहाँ पे चौसठ आएगा, जबकि घटाना नहीं है, अपन को एक जोड़ना था। ठीक है भाई, देखिए तीस का लगातार सभी बच्चों का डी आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। राधे राधे भुवन जी कह रहे हैं मेरे को तो हिमालय जाना है। अच्छा भाई, है ना, हिमालय जाना है, तभी तो हमें पता है कि तुम हिमालय जाने के लिए यहाँ पे रीजनिंग काहे पढ़ रहे हो। है अगर तुम्हें हिमालय जाना होता तो उसके लिए रीजनिंग की जरूरत नहीं थी भाई, है ना? हमें पता है तुम्हें जॉब चाहिए और फिर शादी करनी है बढ़िया से। देखिए इस सवाल का आंसर दीजिए फटाक से कि इसका आंसर यहाँ पे क्या आने वाला है। पांच का पच्चीस और चार का अस्सी और तीन का छत्तीस और दो का बारह। फटाक से बताएंगे यहाँ पे क्या पैटर्न अपन 31 नंबर में लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आप एक ही काम कर सकते हैं सवाल को देख के, भैया काम ये है कि आप ये देखो ये मल्टीपल है, पांच पचम पच्चीस, अगर हम इधर पे बात करें तो बीस, इधर पे अगर हम बात करें तो बारह, इधर पे अगर हम बात करें तो छह। तो अब आप भी देखो ये सारे मल्टीपल हैं और मल्टीपल में कुछ खास बात है क्या? तो हाँ आपको पता चल जाएगा, मल्टीपल में खास बात ये है, बाकी और कुछ तो ऐसे है नहीं कि तीन लोग जिसमें कॉमन आ रहा हो। तीन किसी तरह से नंबर सेम कब हो सकते हैं? तीन किसी तरह से नंबर सेम तब हो सकते भैया जब हम क्या देखें, एक चीज जब हम ये चीज देख ले भाई, क्या ये हम ये चीज देख सकते हैं क्या कि ये सारे नंबर जो है ना वो इवन है और जबकि ये वाला कैसा ऑड मल्टीपल है, तो इसलिए ए आंसर हो जाएगा। और बच्चों को अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप स्क्वायर भी देख सकते हो कि यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर लिख दिया, पांच का स्क्वायर यहाँ पे 25, है ना भाई? चलिए ध्यान से देखिए अपने सवाल नंबर, अपने चलते हैं सवाल नंबर अपना है 32। 32 नंबर सवाल को फटाक से देखें और आंसर देने की कोशिश करें, क्योंकि अब अपने आठ सवाल यहाँ पे रह गए हैं और टाइम हो रहा है थोड़ा खत्म, तो जल्दी जल्दी सवालों को निपटाते हैं, फटाफट सारे सवाल यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है भाई, जल्दी से आंसर देंगे सभी बच्चे, है ना? देखिए 25 और 8, 169 16, 12 225, 11 64। तो मुझे एक चीज दिख रही है कि सारे नंबर यहाँ पे वर्ग लिखे हुए हैं, तो भाई अगर 8 में से 3 घटा देंगे तो आ जाएगा 5, 5 का वर्ग हो गया 25। अगर हम बात करें 16 में 3 घटा देंगे 13, 13 का वर्ग हो गया 169। अगर हम ध्यान से देखें इधर पे 3 जोड़ देंगे तो 15 का वर्ग हो जाएगा 225। इसमें क्या करना है, अगर हम 3 घटा देंगे तो 8 का वर्ग होता है 64। सब में घटा रहे हैं तो इनके दिमाग पता नहीं क्यों खराब है, इन्हें में जोड़ना पड़ रहा है, इसलिए सी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, शानदार तरीके से सभी बच्चों का आंसर एकदम सही आ चुका है। चलिए अपन चलते हैं सवाल नंबर 33 की ओर। सारे नंबर इवन है, हाँ भाई सारे नंबर इवन है। कमल कह रहे हैं एक्सपीरियंस, अच्छा भाई किस चीज का एक्सपीरियंस है, है ना? खत्म टाटा बाय बाय, हाँ भाई खत्म टाटा। चलिए ध्यान से देखिए इस सवाल को, 12 9 8 4 4 15 25 20, यहाँ पे क्या फिर से कॉमन फैक्टर वाली चीज लगानी पड़ेगी क्या? जैसे कि इन दोनों में कॉमन की बात करें तो 3 है, इन दोनों में कॉमन की बात करें तो 5 है, इन दोनों में कॉमन की बात करें तो 4 है, इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो अपना फटाक से आंसर हो जाएगा सी। 33 का यहाँ पे सी आंसर आने वाला है, शानदार तरीके से सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके से सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं। भुवन का आंसर आ चुका है, मुस्कान, राधे राधे भाई जो अपने भुवन है, शानदार तरीके से सभी बच्चे आंसर यहाँ पे दे रहे हैं। निधि 33 में का यहाँ पे बी आंसर दे रही है, जबकि 33 का यहाँ पे सी आंसर आने वाला है। फिर निधि ने करेक्ट कर दिया है, कुंदन का भी आ चुका है, रेलवे भाई का भी आंसर आ चुका है, और शुभ यादव, रेशमा, तान्या, लगातार सभी बच्चों के आंसर, सोमनी भदौरिया, हीरा, बहुत बढ़िया, मनिक ऑफिशियल, कुंदन, सोनम, शानदार तरीके से सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं। चलिए इस सवाल को आप ध्यान से देखें और बताने की कोशिश करेंगे 34 में अपन क्या पैटर्न लगा सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये 15 का वर्ग है, ये 9 का वर्ग है, ये 24 का वर्ग है और ये 16 का वर्ग है, ये सारे वर्ग लिखे हुए हैं, लेकिन 15 आएगा कहां से? तो आप ये देखो 29 में जोड़ दो 30, 30 का आधा होता है 15, 17 में जोड़ देंगे 18, 18 का आधा होता है 9, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 से डिवाइड करना है। 45 में अगर हम एक जोड़ देंगे 46, 46 में अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो 23, 23 का वर्ग नहीं लिखा, ये 24 का वर्ग लिखा हुआ है।
31 में अगर आप एक जोड़ दोगे तो हो जाएगा 32, 32 का आधा कर देंगे तो हो जाएगा 16, और 16 ही का वर्ग यहाँ पे लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे सी वाले में लिखना चाहिए कितना, 23, 23 का वर्ग होता है 529 ना कि 576। तो अब आप समझ गए होगे कि आंसर अपना आने वाला ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। शानदार तरीके से सभी बच्चों के 34 में का सी आंसर आ रहा है। चलिए ध्यान से देखिए सवाल नंबर 35 को, फटाक से बताएंगे सभी बच्चे कि यहाँ पे 35 का आंसर अपन क्या दे सकते हैं, एबीसीडी में अपना 35 का आंसर क्या आएगा। ठीक है भाई, ध्यान से देखें और बताने की कोशिश करें। जैसा कि मुझे दिख रहा है कि आगे के सारे नंबर वर्ग लिखे हुए हैं, है ना, तो क्यों ना इससे कुछ करके यहाँ पे 2 घटा दिया जाए तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो 3 घटा दिया जाए तो हो जाएगा 5 का वर्ग 25। अगर हम इसमें से 5 घटा देंगे तो हो जाएगा 7 का वर्ग 49। लेकिन आप ये देखो इसमें हम क्या घटा दें, इसमें तो बहुत बड़ी संख्या 14 घटाना पड़ेगा, 14 घटाने पे आएगा 2 का वर्ग। जबकि आप देख सकते हो ये जो घटाए हैं सारे प्राइम नंबर हमने घटाए हैं, 2, 3, 5 ये किसी से कटते नहीं है, 14 घटाएंगे तो एक भाज्य संख्या हो जाएगी, इसलिए ए आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 35 में का ये लगातार सभी बच्चों के आने भी लगे हैं, तो बहुत बढ़िया भाई, शानदार तरीके से सभी बच्चों के आंसर यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए अपन देखते हैं सवाल नंबर 36 को, 36 का आंसर सभी बच्चे बता दें कि 36 में का यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है। 16, 226, 21, 399, 35, 1155 और 17, 238। तो अब आप ये बताएंगे कि यहाँ पे आंसर अपन क्या लगा सकते हैं। जैसे कि मुझे ये पता है कि अगर इसमें अपन ने एक जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 225, इसमें अगर अपन ने एक जोड़ दिया तो हो जाएगा 400, इसमें अगर अपन ने एक जोड़ दिया तो हो जाएगा 1156, इसमें अगर एक जोड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा, 239 कुछ नहीं होता। जैसे कि ये होता है 15 का वर्ग, ये है अपना 20 का वर्ग, और 34 का वर्ग होता है 1156, ये किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। और ये 15 अंदर ये आएंगे कहां से, इसमें से घटाने पे आएंगे, 20 में घटाएंगे, 21 में 20, 35 में घटाएंगे तो 34, समझ रहे हो। तो ये पैटर्न यहाँ पे लगा हुआ है, इसलिए डी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। लगातार सभी बच्चों के आंसर डी आने भी लगे हैं, तो बहुत बढ़िया। सर आपका नंबर दीजिए, मैंने कहा ऑफिशियल नंबर चाहिए भाई, ठीक है नंबर दे देंगे। ध्यान देखिए अपना सवाल नंबर आते हैं 37 पे, फटाक से आंसर देने की कोशिश करेंगे सवाल नंबर 37 का, अपन क्या लॉजिक लगा दें और आंसर यहाँ पे अपना आ जाए। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या क्या कर सकते हैं अपन, वर्ग वर्ग तो लिखे नहीं हुई है, लिखे नहीं हुए हैं, फिर हुआ क्या है। जैसा कि आप ध्यान से देखो कि इसमें अपन स्क्वायर स्क्वायर का तो कोई लॉजिक लग नहीं रहा है, तो एक बार इन्हें जोड़ कर देख लो, 7, 6, 13, 13, 8, 21, 21 का डबल हो गया 42, 6, 4, 10, 5, 15, 15 का डबल हो जाएगा 30। इसमें अगर हम देखें 8, 2, 10, 3, 13, 13 का डबल होना चाहिए 26, तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देखोगे 5, 3, 7, 1, 8, 8 का डबल 16 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब डिजिट को ऐड कर लो फिर डबल कर दो। ठीक है भाई, सर आपका इंस्टाग्राम आपका नंबर या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट, अच्छा है ना, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान से देखिए सवाल नंबर, फटाक से इसको देखते हैं सवाल नंबर 38 को, है ना, 38 का आंसर सभी बच्चे बता देंगे। इंस्टा अगर आप देखना चाहते हो तो ये है, मेरा नाम डाल देना और ये डाल देना ऋषभ गुप्ता 4, तो आपको मिल जाएगा, है ना, नेम पूरा है, उसके बाद 4 लिख देना तो आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ध्यान देखिए सवाल नंबर 38 की बात करें तो 38 में अगर आप ध्यान से देखोगे क्या लॉजिक अपन लगा, कितना सिंपल है, 7, 3, 10, 10 का वर्ग 100, 4, 1, 5, 5 का वर्ग 25, 10, 3, 13, 13 का वर्ग 169, है ना, और फिर अगर हम ध्यान से देखें तो 5, 3, 8, 8 का वर्ग 64, इसका मतलब गलत, अलग कौन सा ऑप्शन नंबर बी, सब में 3 जोड़े हैं इसमें एक ही जोड़ा है। चलिए ध्यान से देखिए सवाल नंबर अपना 39, 39 को आप ध्यान से देखें और बताने की कोशिश करें कि सवाल नंबर 39 का यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है। 11, 2, 13, 13 का वर्ग हो गया 169, 5, 2, 7, 7 का वर्ग 49 होना चाहिए, 4, 2, 6, 6 का वर्ग 36 और 2 और 1, 3, 3 का वर्ग 9, मतलब कि अलग कौन सा है ये, इसमें सीधे वर्ग लिखा हुआ है जबकि इसमें क्या हुआ है, सब में 2 ऐड करके वर्ग किए गए हैं। ठीक है भाई, चलिए ध्यान से देखिए सवाल नंबर अपना 40, ठीक है 40 पे जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे के इसका आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या पैटर्न अपन यहाँ पे लगा सकते हैं। सवाल नंबर 40 को ध्यान से देखें और बताने की कोशिश करें। ठीक है भाई, जैसे कि इसमें आप देखोगे 7, 21, 5, 23, 15, 3, 9,
मल्टीप्लाई लगाने से तो नहीं बनना है, तो एक बार डिफरेंस निकाल दो, और क्या ही बताएं। डिफरेंस है एक का, दो का, और यहाँ पे डिफरेंस हो गया 18 का, और यहाँ पे डिफरेंस हो गया 8 का। तो हम ये कह सकते हैं ये सारे डिफरेंस जो है ना वो एक इवन नंबर है, ये वाला एक ऑड नंबर है। तो बस यही है, बाकी और कोई लॉजिक आप वर्ग वर्ग का लगाएंगे तो वर्ग क्यूब के यहाँ पे लॉजिक भैया नहीं लगेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं आज अपन ने 60 मिनट में 40 सवाल निपटा दिए। तो आप समझ रहे हो ना कि लगभग 1.5 मिनट एक सवाल को लगाने में लगा है, जिसमें मैंने आपको चीजें समझाई भी हुई हैं, आपके कमेंट भी लिए हैं, सारी बातें देखी। तो आप स्पीड को समझ सकते हो कि अगर आप घर पे भी बैठ के 40 सवाल लगाओगे ना तो आपको मन ही नहीं लगेगा 44 सवाल लगाने का एक घंटे में। ठीक है भाई, डाउट क्वेश्चंस हैं सर आपका नंबर दीजिए, मैंने एक ऑफिशियल कह रहे हैं भाई, इंस्टाग्राम आईडी मैंने दे दिया, तो आप वहां से डाउट भेज सकते हो, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं देख के आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है भाई, तो आ जाएं सभी बच्चे, और एक बार बोल दें थैंक यू वगैरह, है ना। रेलवे भाई का आ चुका है थैंक यू सर एंड लव यू सर, तो लव यू टू भाई, है ना। कुंदन का भी मैसेज आ चुका है थैंक यू, खुशी भदौरिया ने भी लिख दिया है। ठीक है भाई, रूपम का भी मैसेज, सुभी यादव बहुत बढ़िया, कुंदन बहुत अच्छे सर, अच्छा भाई, है ना। अनमोल दीक्षित गुड नाइट सर, तो गुड नाइट भाई, है ना। तो लगातार मनिक ऑफिशियल डाउट क्वेश्चन बिल्कुल हम इंस्टाग्राम पे आप भेज सकते हैं। ठीक है, सोनम यादव कह रहे हैं थैंक यू, कह रही है थैंक यू सो मच सर, तो थैंक यू सो मच, है ना। कि मतलब आप थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए ताकि आप लोग मुझे एक घंटे तक सुनते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो आप सभी लोगों को थैंक यू। ठीक है, तो आज की क्लास में उम्मीद करते हैं आपको मजा आया होगा और बहुत ही अच्छा लगा होगा, और एक बार वीडियो को अपलोड होने के बाद थैंक यू जरूर लिख देंगे, जैसे कि रूपम रॉय डेली कमेंट करती हैं। ठीक है, उनका एकदम कमेंट आता है कि थैंक यू सर, तो बहुत अच्छा लगता है कि सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल की क्लास में 5:45 पे। तब तक अपना ख्याल रखेंगे सभी लोग, और जय हिंद।